दोस्तों बात करें तो मोबाइल फोन के अंदर आपको काफी कमाल के फीचर देखने को मिलते हैं आज के समय में, लेकिन देखा तो इन कमाल के फीचर में से कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते, और कंपनियां आज के समय में इन फीचर को सिर्फ नाम के लिए डाल रही है। लिटरली मैं अपने वीडियो में जब रिव्यू करता हूं तो बता देता हूं कि एग्जैक्टली ऐसे, लेकिन फिर भी जो लोग है ना ऐसे गिमिक्स के पीछे भागने लगे। तो सोचा आज इस वीडियो में बात करते कुछ गिमिक्स और कुछ यूजलेस फीचर की, जो कि आप लोग का जानना जरूरी अगर एक नया फोन है आपके पास लेने वाले या फिर करंट फोन है ना उसमें भी आपको एक थोड़ा सा आइडिया तो बेटर मिल ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही कमाल के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो आज के समय में यहां पे हाइप के तरीके से लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, वो है 5G का। मतलब 5G जितना बड़ा हाइप दिखा रहे उतना ही बड़ा एक यूजलेस फीचर है। सीधी सी बात है, इंडिया में 5G एग्जिस्ट नहीं करता, और इंडिया में 5G की ट्रायल्स हो रहे, टेस्टिंग हो रही, इसके बारे में टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट देता रहता हूं कि एग्जैक्टली अभी स्टेट क्या चल रही है। लेकिन 5G 3G 4G ये जो चीज रहती है ना, ये कभी भी मोबाइल फोन कंपनीज के हाथ में नहीं रहती, ये टेलीकॉम कंपनीज के हाथ में रहती है। यानी कि जब जब टेलीकॉम कंपनीज अफोर्डेबल रेट के अंदर एक अच्छा कवरेज प्रोवाइड करते हैं ना, तभी ये चीज पॉपुलर होती है। 3G के समय जब आपको बेटर कवरेज देखने को मिलने लगा, बेटर प्लान्स देखने को मिलने लगे, तब कुछ लोग 3G के ऊपर आए थे। और 4G रिवोल्यूशन के बारे में तो बात ही नहीं करनी। मैं लिटरली ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने जियो की 4G सिम के अंदर फ्री में इंटरनेट चला ले, इसलिए उन्होंने नए मोबाइल फोन को परचेस किया था। ये एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर था एक जमाने में जब इंडिया में 4G रिवोल्यूशन आया था, और सेम कहानी 5G के साथ होगी। 5G अभी एग्जिस्ट नहीं करता, आने वाले समय में एग्जिस्ट करेगा, कब आएगा किसी को भी नहीं पता, लेकिन जब आएगा उसके रेट्स कैसे होंगे, उसका कवरेज कैसा होगा। मान लो 4G से सस्ते रेट के अंदर 5G लिया, 5G का कवरेज अगर ज्यादा बेटर हो गया और पता चला जियो का कोई 5G ऑफर अगर आ गया, उस जमाने में तो 100% सेंस बनता है 5G फोन लेने का। लेकिन अभी फोन लेके तब के लिए इंतजार करना ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है यार, इस तरीके से बात को समझनी है। इवन एक इंपॉर्टेंट फन फैक्ट बता सकता हूं आपको, जो साउथ कोरिया कंट्री है वो दुनिया में सबसे पहली कंट्री थी जहां पे आपको 5G देखने को मिला था। लेकिन इस साल उस कंट्री के अंदर लगभग 5 लाख ऐसे लोग थे जो कि 5G से 4G के ऊपर मूव कर गए। मतलब उन 5 लाख लोगों के पास ऑलरेडी 5G फोन एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके अंदर वो रिचार्ज जो करवा रहे हैं ना वो 4G वाला करवा रहे। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि 5G के रेट हाई और नेटवर्क कवरेज अच्छा नहीं है, और यहां मैं कोरिया जैसी डेवलप कंट्री के बारे में बात कर रहा हूं। अब देखो यार इंडिया की हालत क्या रहती है, इंडिया में भी किस तरीके की चीजें रहती है। तो हाँ, जब तक इंडिया में सारी चीजें 5G क्लियर ना हो जाए तब तक हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। और हमेशा मैं लोगों को ये रिकमेंड करता हूं कि 5G का अगर फोन लेना है तो सिर्फ 5G देख के, मतलब कि उसमें 5G है, आप ये देखो कि उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा है, हार्डवेयर कौन सा है। अब देखो यार उसके अंदर क्या होगा कि पावरफुल अगर आपको हार्डवेयर देखने को मिल रहा है तो वो देख के फोन लो, और बाद में देखो कि इंडिया में अगर 5G आया और उसमें चल गया तो उसे एक एडेड बोनस की तरीके से लो। आप ये देख के नहीं ले सकते कि आज मैंने एक 5G फोन ले लिया और 3-4 साल बाद मैं उसके अंदर 5G यूज कर लूंगा, ये सोच के मतलब आपको इस तरीके से थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और इसी के साथ ही बाहरी आती है बिल्ड क्वालिटी के बारे में। यार आज के समय में दो ऐसे मटेरियल है जो मोबाइल फोन के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है, प्लास्टिक और ग्लास। देखा जाए तो ग्लास के अंदर एक अच्छा प्रीमियम फील आता है, हाथ में पकड़ने में अच्छा लगता है, और अलग अलग टेक्सचर अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। प्लास्टिक के साथ भी अलग अलग डिजाइन देखने को मिलते हैं, पतला होता है, हल्का होता है, बस हाथ में पकड़ने में फील नहीं आता। लेकिन कुल मिला के बात है कि प्लास्टिक ले लो ग्लास ले लो, लोगों को उसके ऊपर पीछे कवर लगाना ही लगाना है, और लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंट TPU केस यूज करते हैं। इवन जो मोबाइल फोन कंपनीज है वो भी अपने फोन के डब्बे के अंदर ट्रांसपेरेंट केस क्यों प्रोवाइड करती है, वो भी चाहती है कि पीछे जो इतना बड़ा बड़ा जो लोगो लिखा है ना वो भी दुनिया के सामने दिखाई दे, जब भी आप फोन पे बात करो या फिर फोन के अंदर कोई नया डिजाइन आए ना वो दिखा के आप फ्लॉन्ट कर सको। हाथ में तो काफी सारे लोग होते हैं जो बिना कवर केस के तो यूज करती नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बिना कवर केस के किसी फोन को यूज करते हैं, और उनको एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है कि वो ग्लास यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कवर केस ला के यूज कर तो शायद इससे फर्क पड़ना नहीं चाहिए कि एग्जैक्टली उसमें प्लास्टिक है कि ग्लास है। ऑब्वियसली बिल्ड क्वालिटी मैटर करती है कि फोन है वो बैंड नहीं होना चाहिए, वो ड्यूरेबल होना चाहिए, कि पॉकेट में रखे रखे बैंड हो गया, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर पीछे अगर अच्छा डिजाइन मिल रहा है और आपको कवर केस लगा के फोन को यूज करना है तो फिर ये चीज है ना इतना ज्यादा मायने नहीं रखती, ये भी एक सोचने वाली बात है। इवन सामने की तरफ प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं ना, ड्रैगन ट्रेल ग्लास, शॉर्ट सेंसेशन ग्लास, गोरिल्ला ग्लास विक्टस के बारे में बात करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, उसके ऊपर हम एक स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करते हैं, टेम्पर्ड ग्लास को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, तो कि हम उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जा सके। मतलब कहने का मतलब ये कि जिस नेचुरल फॉर्म में जो चीज अवेलेबल करवाई जा रही हो उसका हम उतने अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रहे, और अगर आप यूज कर रहे हो तो फिर तो आप खतरों के खिलाड़ी हो गए, बिना कवर केस बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर के एक मोबाइल फोन को यूज करना। हालांकि उसका एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का ही होता है, लेकिन खतरा उसके अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखा जाए तो ये चीज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितनी ज्यादा आपको लगती
सकती है, या फिर ये चीज वैसी हो सकती है कि इसका आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो लेकिन इस फीचर का उस तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हो। और ऐसे ही बारी आती है हमारे मैक्रो कैमरा की। देखा है तो मैक्रो फोटोग्राफी बहुत ही अच्छी चीज होती है। काफी सारे लोग डेडिकेटेड मैक्रो लेंसेज वगैरह को लेते हैं, DSLR वगैरह साथ फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि 2 मेगापिक्सल से मैक्रो फोटो कौन लेता है। कोई लेता है 2 मेगापिक्सल से मैक्रो फोटो? इससे बेटर यह है कि 2 मेगापिक्सल की बजाय आप यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है ना उसको इंप्रूव करो और अल्ट्रा वाइड के अंदर यहाँ पे ऑटो फोकस इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कंपनीज को अगर अल्ट्रा वाइड के अंदर ऑटो फोकस इंप्लीमेंट कर देंगे ना तो अल्ट्रा वाइड एंगल से भी आप मैक्रो शॉट ले सकते हो। लेकिन जनरली जो फोन्स आपको देखने को मिलते हैं ना मैक्रो कैमरा वाले, इनके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस फिक्स्ड फोकस देखने को मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और यहां पे क्या किया जाता है, जो आज के समय जो कंपनीज की मेंटेलिटी है ना कि 2 से कम कैमरा हो तो हमें देनी नहीं है, मिनिमम 2 और हो सके तो 3, 4, 5 जितने ज्यादा। क्योंकि यहां पे मैंने लोगों से पूछा है, फोन के अंदर नंबर ऑफ कैमरा ज्यादा होते हैं तो लिटरली लोग जो रहते हैं ना वो कैमरा देख के फोन खरीदते हैं, यानी कि नंबर देख के फोन खरीदते हैं। यही सेम कहानी मेगापिक्सल के साथ भी चल रही है। बिल्कुल आज के समय में क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मेगापिक्सल दिखाकर भी फोन को बेचने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं कि रियल वर्ल्ड में जो उसकी इमेज कैसी आ रही है। इवन यहाँ पिक्सल से रिलेटेड भी एक बात बता सकता हूँ आपको, कभी भी ये मायने नहीं रखता कि नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने, हमेशा ये मायने रखता कि उन पिक्सल्स की क्वालिटी कैसी है। ये डिस्प्ले में, फोटोग्राफ रिजोल्यूशन, वीडियो रिजोल्यूशन हर जगह ट्रू है। इवन आप देख सकते हैं ऐसे कि अगर आपको गुड क्वालिटी के पिक्सल मिल रहे हैं तो उसमें आपको ज्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी देखने को मिलेगी। आप यही देख सकते हो कि बेटर पिक्सल मिल रहे हैं तो उसका यूज करके बेटर आउटपुट भी ले सकते हो। इवन वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर भी आज के समय में 8K 4K कितना बड़ा एक स्टैंडर्ड जैसा बन चुका है, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं। लेकिन क्या 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको क्या वैसी क्वालिटी देखने को मिल रही है? कई बार लो रिजोल्यूशन करने में आपको बेटर स्टेबलाइजेशन, बेटर क्वालिटी देखने को मिल जाती है। 8K 4K में कई बार उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। इवन कई बार तो देखा है कंपनियां अपने फोन के अंदर नाम के लिए फीचर देने के लिए हाफ बेक्ड फीचर दे देती है, जैसे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग दे देंगे लेकिन उसके अंदर कोई भी स्टेबलाइजेशन का फीचर नहीं मिलेगा और उसके अंदर जो लो लाइट पर जो क्वालिटी रहती है ना वो भी आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती, और घूम फिर के जो लोग हैं वो 1080p पे यूज करते हैं। इवन बात करते हैं मैक्सिमम मूवीज जो शूट होती है ना वो भी 2K रिजोल्यूशन, अराउंड 1080p का जो रिजोल्यूशन होता है ना उसी के अंदर उन्हें शूट किया जाता है। इवन VFX और जो एनिमेशन होता है ना वो भी इन फिल्मों के अंदर 2K रिजोल्यूशन यानी कि ऑलमोस्ट 1080p के अंदर ही किया जाता है। ये भी एक नोटिस करने वाली बात है। तो देखा तो मोबाइल फोन के अंदर भी ये चीज सही साबित होती है। अब क्या है कि मेगापिक्सल की वॉर चल गई है लेकिन हम ये नहीं देखते कि एग्जैक्टली जो आउटपुट आ रहा है इमेज का वो कैसा आ रहा है, क्या वो उतना ज्यादा बड़ा ड्रास्टिक चेंज ला रहा है या फिर सिर्फ नंबर वाला खेल है। नंबर ऑफ कैमरास के साथ भी ये खेल है, मैक्रो कैमरा के साथ भी ये खेल है। तो हाँ, इस टाइप की कुछ चीजें जो आपको देखने को मिल रही हैं। और इसी के साथ ही बात करें तो आज के समय में क्या हो गया कि मोबाइल फोन से हेडफोन जैक गायब हो रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने TWS ईयरफोन को प्रमोट कर सके। और काफी सारे फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर से सिंगल स्पीकर भी आ रहा है, ये देखा तो गलत चीज है। इवन कंपनियां देखा जाए तो यहाँ पे ऑडियो को करने के लिए थोड़ा हाईलाइट यहाँ पे डॉल्बी एटमोस को इंट्रोड्यूस कर देती है। अब देखा जाए तो मैंने अपने पुराने वीडियो में गिमिक्स वाले में बताया था कि मोबाइल फोन के अंदर जो डॉल्बी एटमोस आता है ये रियल डॉल्बी एटमोस नहीं है, ये सिर्फ इक्वलाइजर के तरीके से काम करता है, यानी कि बेस ट्रेब्स जो रहती है ना उसे एडजस्ट करेगा और आपको कान में सुनने में एक अच्छा सा म्यूजिक का एक्सपीरियंस देगा। लेकिन ये रियल डॉल्बी एटमोस नहीं है, रियल डॉल्बी एटमोस काफी ज्यादा अलग है। एप्पल ने इसका काफी अच्छा इंप्लीमेंटेशन किया है लेकिन जो होम थिएटर के साथ या प्रॉपर थिएटर में जो डॉल्बी एटमोस आता है वो अलग होता है। उसके अंदर मैं समझा देता हूं क्या रहता है। उसके अंदर आपको स्पाटियल ऑडियो देखने को मिलता है कि आवाज सामने से आ रही है, साइड से आ रही है, ऊपर से, नीचे से, पीछे से, हर एंगल से आपको जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं वो सुनाई दे रहे हैं। ये चीज डॉल्बी एटमोस होती है सिंपल लैंग्वेज पे। मोबाइल फोन कैसे भी ये ईयरफोन के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकता कि आपको स्पाटियल ऑडियो देखने को मिले। यहां पे सिर्फ इक्वलाइजर की तरीके से चीज आपको देखने को मिल रही है। म्यूजिक वगैरह के अंदर थोड़ी बहुत चीजें करके आप ऑडियो को एनहेंस वगैरह कर सकते हो लेकिन आप काम किसी दूसरे इक्वलाइजर से भी कर सकते हो, बस आपको पता है कौन सी फ्रीक्वेंसी यहां पे आपको छेड़नी है। लेकिन जो रियल डॉल्बी एटमोस होता है वो अलग है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये असली डॉल्बी एटमोस नहीं है, ये चीज बिल्कुल ही अलग होती है, ये समझने वाली जरूरत है यहां। और ऐसी बात किया तो आज के समय हर दूसरा जो मोबाइल फोन बिकता है ना उसके फोन के अंदर कोई फोन मैनेजर होता है, कोई क्लीनर की ऐप होती है। अब आप एक स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, क्या स्मार्टफोन को सच में जरूरत है कि ऐसे क्लीनर वगैरह की? यानी कि वो तो स्मार्ट है ना, उसको तो अपने आप क्लीन कर लेनी चाहिए चीजें, पर ऐसा नहीं होता। मोबाइल फोन के अंदर एक जबरदस्ती का फोन मैनेजर बैठा के रखा जाता है जो कि एप्स मैनेज करेगा, ये सारी चीजें मैनेज करेगा। क्लीनर की आप जबरदस्ती दे दी जाती है जो कुछ नहीं करती, सिर्फ कैशे क्लीन करती है या फिर रैम के अंदर जो
एप्लीकेशन ऑलरेडी लोडेड है वो हटा देती है। अब रियल वर्ल्ड के बताऊं, आज के समय में ऐसे क्लीनर इन सब की जरूरत पड़ती नहीं है। ये सारी चीजें बिल्ट इन एंड्रॉइड के ओएस के अंदर ही गूगल ने डाल रखी है कि वो खुद अपने हिसाब से रैम को मैनेज कर सकता है। ये सब अलग से करवाने की जरूरत नहीं है। और ये तो एक ऐसा फीचर है कि अगर आपके फोन के अंदर कोई फोन मैनेजर है तो सब डिसेबल करके रखो। कई बार फोन के अंदर कोई फोन मैनेजर आ जाता है ना, जबरदस्ती वो दुनिया भर की परमिशन ले लेता है। यार ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसी बात कर तो काफी सारी कंपनीज अपने खुद के फोन के अंदर खुद का एक ऐप स्टोर डाल देती है। अभी हुआवे के फोन के अंदर ऐप गैलरी देखा था, सबको पता है ऐप गैलरी की जो क्वालिटी रहती है वो रियल वर्ल्ड में कैसी रहती है। लोग घूम फिर के प्ले स्टोर यूज करते हैं। अब प्ले स्टोर के साथ साथ आपको कोई दूसरा ऐप स्टोर मिल गया तो क्यों आप उस ऐप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे? प्ले स्टोर से क्यों नहीं करोगे जहां पे आपको एक ट्रस्टेड सोर्स मिल रहा है, वहां पे गूगल का भरोसा है, गूगल थोड़ा प्रोटेक्ट करती है आपको वहां पे। लेकिन ये चीजें वहां पे देखने को नहीं मिलती, जबरदस्ती की चीज दी जा रही है। इसके साथ ही आज के समय में एड्स देख रहा हूं, लिटरली मोबाइल फोन के अंदर आपको एड्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, ब्लोटवेयर ज्यादा देखने को मिलते हैं। इवन बात की जाए तो फीचर से ज्यादा तो बग्स देखने को मिल जाते हैं। यहां पर Xiaomi Poco का एग्जांपल कैसे ना लें, मतलब उनके फोन के अंदर जब भी MIUI का अपडेट आता है कोई ना कोई इशू आ जाता है। Poco के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। यहां पे Poco X2 का जो कैमरा मॉड्यूल होता है वो खराब हो गया। अब ये कोई सॉफ्टवेयर बग नहीं है, लिटरली हार्डवेयर बग है। अब उन्होंने काफी कम प्राइस के अंदर एक अच्छे हार्डवेयर के साथ एक अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ फोन लॉन्च कर दिया, लेकिन साल डेढ़ साल के बाद जब उसमें इश्यूज आ रहा है यार, तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग कर रहे, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर कोई प्रॉब्लम कर रहे। जबरदस्ती फोन सस्ता देने के कारण यहाँ पे कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज आपको साथ में देखने को मिल रहा है, जो कि लिटरली नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे ब्रांड का कोई फोन लेते तो हो सकता है उसके साथ आपको इस टाइप के इश्यूज देखने को ना मिलते, लेकिन हो सकता है उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती या इतने ज्यादा फीचर नहीं होते, लेकिन कम से कम एक स्टेबल एक्सपीरियंस, एक यूजेबल एक्सपीरियंस तो ले पाते। यार ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको सोचने वाली बात है। और जाते जाते लास्ट में बस हाई रिफ्रेश रेट के बारे में बात करूंगा। हाई रिफ्रेश रेट तब काम में आता है जब आपको हाई FPS पे गेमिंग करनी है। अगर आप एनिमेशन स्क्रोलिंग वगैरह करते हैं तो मैंने देखा कि 90% लोग ये फर्क बता ही नहीं पाते कि 60Hz है, 90Hz है, 120Hz है। ये बिल्कुल फैक्ट हो जाता है। और ज्यादातर लोग जब भी फोन यूज करते हैं तो हमेशा स्क्रोल नहीं करते, उसमें हमेशा एनिमेशन नहीं चल रहे होते, उसके अंदर कोई स्टैटिक चीज होती है, कोई वीडियो देख रहे होते, कोई गाना सुन रहे होते, वेब पेज ब्राउज कर रहे होते, ट्विटर इंस्टाग्राम में कुछ स्क्रोल कर रहे होते, बीच में कोई चीज देख रहे होते, वहां पे इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और आधे लोग जानते हो हाई रिफ्रेश रेट का फायदा बता भी नहीं पाते। हाई रिफ्रेश रेट का असलियत में जो यूज आता है ना, वो कई बार हाई FPS में गेमिंग के लिए आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि आज के समय जो हाई रिफ्रेश रेट वाले फोन है ना, उनमें इतना अच्छा प्रोसेसर है नहीं कि जो आपको हाई FPS में गेमिंग करवा दें। ये एक नोटिस करने वाली बात है। और मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे कई बार क्या रहता है, गेमिंग के अंदर जो हाई रिफ्रेश रेट रहता है इसमें हाई टच रिस्पॉन्स भी कई बार काम में आ जाता है। मतलब जैसे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आ गया तो वहां पर कोई खेल रहा है तो डेफिनेटली वहां पर टच रिस्पॉन्स की वैल्यू ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू हाई रिफ्रेश रेट या हाई FPS। ये एक छोटी सी चीज है जो कि हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती। अगर आप गेम नहीं खेलते तो शायद आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, हो सकता है आपके लिए यूजलेस फीचर है। और अगर आप गेम खेल रहे हो तो टच रिस्पॉन्स भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है यहां पे, और हाई रिफ्रेश रेट तब एक इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है जब जो गेम है वो हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। और इसके साथ ही आपके फोन का जो प्रोसेसर है वो भी इस कैपेबल है कि आपको हाई FPS हाई रिफ्रेश रेट के डिस्प्ले का फायदा उठाते हुए गेमिंग करवा सके। ये भी एक नोटिस करने वाली बात है जो आप लोग को जानना जरूरी था। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैंने काफी सारे अलग अलग चीजों के बारे में बात करी, काफी सारे यूजलेस फीचर गिमिक्स होते हैं ना मोबाइल फोन कंपनीज आपको ऐसे मार्केटिंग टर्म के रूप में चिपका के दे रही है, और उन्हें सारी चीजें सॉल्व करने की जरूरत है क्योंकि रियल वर्ल्ड के अंदर कहानी बदल जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये कि काफी सारे लोग इन मार्केटिंग टर्म्स को असली मान भी लेते हैं और इनके चक्कर में फोन वगैरह परचेज कर लेते हैं। तो प्लीज सारी चीजें ध्यान में रखिए, और आपको सच में जरूरत है तो ही फोन लीजिए। जो यहाँ पे फालतू की हाइप वगैरह बन जाती है, कई बार फ्लैश सेल के नाम पे बन जाती है, कई बार स्पेसिफिकेशन के नाम पे बन जाती है, उसके चक्कर में ना पड़िए। अगर आपको सच में जरूरत है फोन की तो ही परचेज कीजिए। अगर आपका करंट फोन अगर अच्छे तरीके से चल रहा है तो उसे चलने दीजिए, कोई नया फोन लेने की जरूरत नहीं है। फोन फोन होता है, हर बार फोन के अंदर कोई नई चीज आ जाती है लेकिन उसे कोई दुनिया नहीं बदल जाती। ये एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।